अक्सर समारोह में हर्ष फायरिंग की वजह से बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, फिर भी लोग अपनी झूठी शानो शौकत के चलते ऐसी हरकतें करने में बाज नहीं आते और दूसरों की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया एक शादी समारोह के, जहां दुल्हन के भाई ने नशे की हालत में कट्टा लहराते हुए गोली चलाई। गोली के छर्रे वहां मौजूद एक युवती को जा लगे, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हर्ष फायरिंग की यह घटना छतरपुर की है। घायल युवती समता यादव ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां शादी की खुशी में दुल्हन का भाई राजेश यादव नशे की हालत में कट्टे से फायरिंग कर रहा था। उसी दौरान गोली के छर्रे उसके हाथ में लगे, जिससे वो घायल हो गई। घायल अवस्था में ही उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही समता ने बताया कि फायरिंग की वजह से एक महिला और घायल हुई है। एडिशनल एसपी ने कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टपरियन है, ईटा शंकर टपरियन बिजावर थाना क्षेत्र में। तो वहाँ काई के लिए गई थी आप? बारात में गई थी। क्या हुआ वहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, हम खड़ी थी तो उन्होंने पीछे से मार दी। हर्ष फायरिंग हो रही थी? टीका हो रहा था। तो कार्यक्रम में चली है गोली, कहाँ लग गई थी आपके? हाथ में। फिर कहाँ गए इलाज के लिए? फिर बिजावर गए, वहाँ पे कोई नहीं था, दूसरी स्टार थी तो उन्होंने भी गोली लू तो ले जाओ बड़ा भाव। देखा है किसने मारी है गोली? क्या नाम है उनका? राजेश यादव ने मारी है। ये टपरियन जो गांव है, ये थाना बिजावर अंतर्गत आता है। कल वहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था, जिसमें बारात यहाँ से ओरछा रोड से भी गई हुई थी। तो उसमें फरियादी ने आकर के थाने में रिपोर्ट कराई समता यादव ने, कि कल शादी के दौरान कुछ विवाद हुआ, जिसमें दुल्हन का जो भाई था उसने कट्टे से फायर किया है, जो छर्रे उनको लगे हैं। तो गंभीर अपराध था, इमीडिएट हमने इसमें सेक्शन 307 और 25 सदे साम सेट के तहत एफआईआर रजिस्टर कर लिया। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।